नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों, ये काफ़ी ओल्ड टेप रिकॉर्डर है, इसी में रेडियो भी है और कैसेट प्लेयर भी है। आज इसमें ब्लूटूथ को कैसे कनेक्ट करते हैं, इसी के बारे में ये वीडियो है। पहले इसको ओपन कर लेते हैं। अब मैंने जो इसमें बोर्ड यूज़ हो रहे हैं, ये ऑडियो के लिए है और ये रेडियो के लिए है। दोनों बोर्ड को मैंने यहाँ से हटा दिया है और ये काफ़ी ओल्ड जनरेशन के हैं बोर्ड। ये ऑडियो बोर्ड, इसमें ही रिकॉर्डिंग का भी सिस्टम है इसी बोर्ड में, और ये ऑडियो की भी आउटपुट यही देता है। तो इन दोनों को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर देखेंगे इसमें सिंगल स्पीकर ही लगा हुआ है। तो इसमें जो दूसरी बोर्ड लगाएंगे वो या तो 6283 का लगाएंगे या 4440 का। मैं इसमें जो यूज़ करूँगा वो 4440 का बोर्ड यूज़ करूँगा मोनो। ये वाला बोर्ड इसमें लगाएंगे। ये स्पीकर के वायर हैं और ये वैसे तो स्टीरियो था लेकिन ये ख़राब हो रखा है, इसका एक चैनल, इसके ट्रैक भी ख़राब हो रखे हैं पीसीबी के, इसलिए इसको सिंगल चैनल का ही बना रखा है। और इस एम्पलीफायर में जो पावर सप्लाई के लिए यूज़ है वो ये ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर भी काफ़ी कमज़ोर है इसमें, इसको भी हटा देंगे यहाँ से। और जो इसमें 4440 के बोर्ड को चालू करने के लिए मैं यहाँ पर एक SMPS लगा रहा हूँ। ये SMPS मैंने खुद ही बनाई है। ये कम से कम आउटपुट में जो करंट देती है वो 3 एम्पियर के लगभग ये करंट दे देती है 12 वोल्ट का। और इसमें STR का प्रयोग कर रखा है, ये 5L380R STR है और ये 12 वोल्ट की आउटपुट देता है। तो इसको इसमें लगाएंगे। इसमें जो ब्लूटूथ के लिए मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे वो ये मॉड्यूल लगाएंगे ब्लूटूथ के लिए। इसमें वॉल्यूम कंट्रोल के लिए और बास ट्रेबल के लिए जो इसमें ऑलरेडी पहले था उसी को लगाएंगे। इसमें ये केवल सिंपल बास ट्रेबल है, इसमें कोई यहाँ पर ट्रांजिस्टर नहीं लगा हुआ है और पावर सप्लाई भी नहीं है इसमें। ये वॉल्यूम कंट्रोल का काम ये करेगा और ये सिंपल इसमें बास ट्रेबल है। ये दोनों 50 kΩ के हैं और ये वॉल्यूम कंट्रोल का इसमें 100 kΩ का है। तो यही यूज़ करेंगे इसमें और इनको लगा लेते हैं इसमें। यहाँ पर जो येलो वाला वायर है ये ऑडियो इन का वायर है और ये उसकी ग्राउंड है, और यहाँ पर ये वाइट वाला है ऑडियो आउटपुट का वायर है। इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं, ग्राउंड को ग्राउंड के साथ में जोड़ देते हैं और इसको ऑडियो इन पर जोड़ देते हैं। अब पावर सप्लाई लगाने के लिए यहाँ पर जो पहले इसमें बैटरी लगाने की जगह थी इसी जगह पर इसको पावर सप्लाई को लगा लेते हैं। यहाँ पर पावर सप्लाई को मैंने अच्छी तरह टाइट कर दिया है। इसके आगे वायर और जोड़ दिए हैं। जो ब्लू वायर है 12 वोल्ट का नेगेटिव वायर है, ब्राउन वायर 12 वोल्ट का पॉजिटिव वायर है। SMPS को चालू करके इसमें वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। अब SMPS की आउटपुट में 12.8 वोल्टेज आ रहे हैं और इसमें शॉर्ट सर्किट पे करके देखते हैं, SMPS बराबर काम कर रही है। यहाँ पर 4440 के बोर्ड में लगा लेते हैं। यहाँ पर नेगेटिव लगाया है और 12 वोल्ट को प्लस को यहाँ पर लगा देते हैं और यहाँ पर मैंने ये स्पीकर के वायर भी जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये ऑडियो इन है इसकी। ऑडियो इन के आगे मैंने एक 100 kΩ की रेजिस्टेंस लगा दी है, इससे थोड़ी आवाज़ कम आएगी इसमें और बिल्कुल साफ भी आवाज़ आएगी।
ये इसकी आउटपुट हो गई ऑडियो की। इसको जैसे जैसे बढ़ाएंगे और यहाँ से आवाज़ कम करेंगे तो आवाज़ भी कम हो जाएगी ऐसे। बीटी मॉड्यूल को चालू करने के लिए इसको +5 वोल्ट की आवश्यकता होगी और यहाँ पर 12 वोल्टेज आ रहे हैं। 5 वोल्ट के लिए एक 7805 का रेगुलेटर लगा लेते हैं। इसका ये ग्राउंड है और इसको 12 वोल्ट के साथ में जोड़ देंगे और 5 वोल्ट की आउटपुट यहाँ से मिलेगी इस तीसरे नंबर के पिन से। इसको मैं यहाँ पर बॉडी पे लगा देता हूँ। यहाँ पर 12 वोल्ट आएगा इसका और यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। यहाँ पर 4.99 यानी 5 वोल्टेज के लगभग आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो बीटी मॉड्यूल है उसके मैंने वायर इस तरह से जोड़ दिए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये +5 वोल्ट है और ये ग्राउंड है, ये पावर ग्राउंड है और यहाँ पर लेफ्ट और राइट ऑडियो इन चैनल है। तो मैंने एक ही चैनल काम में लिया है, ग्राउंड ये है, ये ऑडियो की ग्राउंड है और ये ऑडियो इन है। इसको +5 वोल्ट के साथ में जोड़ेंगे और इसको ग्राउंड के साथ में ऐसे लगा देंगे इसको, और इसके ऊपर स्लीव ज़रूर पला देंगे ताकि ये कहीं शॉर्ट ना हो जाए 12 वोल्ट के जगह पर, नहीं तो ये मॉड्यूल ख़राब हो जाएगा। और इसको ग्राउंड के साथ में जोड़ देंगे और इसको ऑडियो ग्राउंड के साथ में जोड़ देंगे। वैसे तो ऑडियो ग्राउंड और पावर ग्राउंड एक ही है लेकिन इसको बिल्कुल पास में ही जोड़ेंगे तो हमिंग की आवाज़ नहीं आएगी। इस ऑडियो इन को ऑडियो आउट के साथ में जोड़ देंगे यहाँ पर वाइट वायर से। अब पहले टेस्ट कर लेते हैं इसको। पावर आ गई है और इसमें म्यूजिक की आवाज़ भी आ गई थोड़ी। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। Thank you.